रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकलैंड न्यूज़ एचडी और मैं हूं नासिर महमूद मलिक। अब नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सिलावाली से। सिलावाली इंतजामिया की गफलत के बाइस दो कीमती जाने चली गई। सिलावाली ब्लाक नंबर 4 के वाटर सप्लाई तालाब में नहाते हुए दो बच्चे डूब कर जहाँ बख हो गए। तालाब की गहराई 12 फुट से ज़्यादा है। इंतजामिया की जानिब से कोई एहलकार तैनात नहीं था जो इन बच्चों को नहाते हुए रोकते। बताया जा रहा है कि वाटर सप्लाई के इंतलाबों में हर साल कोई ना कोई बच्चा डूब जाता है। बच्चों के डूबने की इतला रेस्क्यू 1122 को दी गई तो रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच गया और एक घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों लाशों को तालाब के पानी से निकाल लिया गया और अपनी इब्तदाई कोशिश बाटी से पानी निकालने के बाद लाशों को DHQ अस्पताल सिलावाली मुंतकिल कर दिया। मरने वालों में तंजील और उस्मान शामिल हैं जो 4 ब्लॉक सिलावाली के रहशी हैं जिनकी उम्रें 20 से 24 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। कैमरामैन टीम के साथ नासिर महमूद मलिक, पाकलैर न्यूज़ HD, सिलावाली।